हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉर एवर हो गए, सो डोंट बी कंफ्यूज। हमारे पास हमारी चैनल पे वीडियो उसी तरीके से आती रहेगी जिस फ्लो से पहले आती थी। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आपको एक ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं। एज वेल एज अगर बात की जाए आज की वीडियो में, तो ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड उसके फंडामेंटल्स हम जानेंगे। बट एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर वीडियोज बनाई थी, ओके, जुबिलेंट इंग्रीविया से रिलेटेड 20% के रिटर्न उस दिन से मिल चुके हैं। एज वेल एज बात की जाए, हमने एमटार पे बनाया था, एमटार पे 10% के रिटर्न हमें मिल चुके हैं, मोर देन 10%। एज वेल एज बात की जाए मदरसन सोमी पे हमने वीडियो बनाई थी, मुश्किल से जब हमारा जेटीए केटी में हमारा अच्छा खासा गेन मिल रहा था, उसके बाद ही वीडियो बनाई थी और कहा था कि इसे बेचो ये खरीदो। और मदरसन सोमी की बात करें, आज के दिन में अपर सर्किट के लगभग जाता हुआ दिखाई दिया, बेहतरीन रिटर्न्स वहां पर भी मिलते हुए दिखाई दिए। तो वीडियो में बने रहिए, हमारे वीडियो को सीखते रहिए, सीख के करिए, बेहतरीन पैसा कमाते रहिएगा और आपको कभी भी टॉप पे नहीं फंसोगे और नीचे लेवल पे खरीद के बेहतरीन 10-20% के रिटर्न शॉर्ट टर्म में कमाओगे और अच्छा खासा पैसा, ओके, 10 लाख रुपए लगाओगे और मतलब 10 लाख एक आइडिया बता रहा हूँ, और 40% के CAGR से पैसा कमाओगे ना, तो आपको 200-300 करोड़ रुपए होते हैं 20 साल में। तो इस चीज को समझ के काम करो, पैसा अपने आप बनता रहेगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरीके की नॉलेज मिले। और आज का ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेकआउट स्टॉक है मारुति सुजुकी, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। और बात करें मारुति सुजुकी की, 7,185 रुपए पे शेयर चल रहा है। आप लोग कहेंगे कि काफी गिर चुका है, तो मैंने बीच में वीडियोस बनाई होगी डेफिनेटली और बताया होगा कि लीजिए यहाँ पर, और नहीं भी बताया तो कोई इशू नहीं है। अब ब्रेकआउट तो अब स्टार्ट हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखते हैं शेयर की, तो एक 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो 3-4% के यहाँ पर रिटर्न दे चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा चार्ट पैटर्न था। आपको पता ही है 2018 में एक गिरावट आई थी, उसके बाद से शेयर यहाँ पर गिरते हैं। फिर यहाँ पर एक पेंडामिक आ गया और लगभग जो पेंडामिक पर शेयर चल रहा था ना, उसी लेवल पर ये आज शेयर चल रहा है। और बात करें पिछले 6 महीने की, तो यहाँ पर लगभग 8,200 रुपीज से गिर के यहाँ पर 12-13% की गिरावट है। और जो इसका अभी चार्ट पैटर्न बन रहा है ना, बड़ा बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म में मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीजों की, तो 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 8,329 12 जैन को यहाँ पर शेयर आया था, उसके बाद से गिरावट है पिछले 4-5 महीने से। 52 वीक लो की बात करें, तो यहाँ पर 5,201 रुपए पे शेयर आया था जब यहाँ पर पैंडामिक का टाइम था। और यहाँ पर देखते हैं आज के दिन में 2,50,000 लगभग 51% की डिलीवरीज उठाई गई है। इस चीज को देखिए, रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, हमने डिस्कस भी करे थे, बट हम बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो 56.37% की, बाकी FIIs DIIs यहाँ पर बड़े पड़े हैं। और 60-80 रुपए के यहाँ पर डिविडेंड भी यहाँ पर दिए गए, और नेक्स्ट डेट यहाँ पर 13 तारीख की है। और 13 तारीख से पहले मतलब अगर बात करें 12 अगस्त को आपके पास ये शेयर रहेगा, तो आपको 60 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर ये चार्ट है, यहाँ पर कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी से रिलेटेड, अगर मैं बात करूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कंपनी करती क्या है। कंपनी फोर व्हीलर्स में, चार चक्के में काम करती हुई नजर आती है, मतलब गाड़ी बनाती हुई नजर आती है। और जब ईवी आएगी, तो यहाँ पर बात है कि टाटा मोटर्स की ज्यादा करते हो, बट बताना चाहता हूँ जब ईवी आएगी तो मारुति सुजुकी लोगों के घरों में बसी हुई है, ओके, हर तरीके छोटी से लेके बड़ी गाड़ी तक बनाती है और स्ट्रॉन्ग गाड़ी बनाती हुई नजर आती है। और बहुत पुरानी कंपनी है, और बताना चाहता हूँ ये गाड़ी बहुत बिकती हुई नजर आएगी। और ईवी में वो टाटा मोटर्स ही नहीं आएगी, मारुति सुजुकी भी आएगी और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आएगी ईवी जब इसकी फोर व्हीलर में आएगी। तो आप टाटा मोटर्स इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि कुछ कमेंट्री ऐसी थी, कुछ उनके प्लान्स ऐसे थे, एज वेल एज एक छोटा शेयर है वहां पर, शेयर केवल 300 रुपए का शेयर नजर आता है और ये शेयर थोड़ा 7,000 रुपए के आसपास का शेयर है, इसलिए लोग थोड़ा सा लेने से घबराते हैं। बट अगर बात की जाए मार्केट कैप की, तो 2,14,000 रुपए का मार्केट कैप है। और वहां पर यहाँ पर उसके अगर बात करें टाटा मोटर्स की, वहां पर कर्ज भरा हुआ है, और यहाँ पर कर्ज की बात करें 1% का कर्ज है, ना के बराबर कर्ज है। और प्राइसिंग की बात करें 0, जो कि मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर देखते हैं
टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स के पास 2.19 मतलब लैक्स ऑफ करोड़ का यहाँ पर कर्जा है। अगर यहाँ पर नीचे दिखा दूं मैं आपको तो यहाँ पर पता चलेगा यहाँ पर 1,21,000 करोड़ का तो कर्जा है। तो यहाँ पर देखिए मारुति, और यहाँ पर इसके अगेंस्ट में मारुति सुजुकी की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी देखिए 10% के सीएजीआर मतलब आरओसी से पैसा बढ़ाती है, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कंपनी का फायदा क्या है कि कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं करना, तो अच्छा खासा यहाँ पर शेयर भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा डेट है, अभी लिया होगा इन्होंने, देखिए अभी लिया है इस साल में ही तो 538 करोड़ का, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 52 करोड़ 52 करोड़ रुपए के तो रिजर्व है, इतने रिजर्व पड़े हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये तो इसका थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है। ओके एज वेल एज 1% के आसपास है। बात करें यहाँ पर यहाँ पर और भी कुछ चीजों की फिक्स एसेट, तो देखिए कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने में मतलब खर्च करती रहती है। यहाँ पर देखिए 1,199 करोड़ रुपए का CWIP अभी भी है, ये यहाँ पर ऐड होगा ऑब्वियस सी बात है, इनकी दोबारा से क्षमता बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की और फिर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट 42,000 करोड़ 43,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल 1,280 करोड़ का, और बात करें कैश की तो 3,000 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। एसेट की क्वालिटी की बात करें तो एसेट देखिए यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, 16,000 करोड़ की यहाँ पर एसेट 71,000 करोड़ की एसेट में बदल गई है। एज वेल एज बात करें हाईएस्ट एवर, यहाँ पर बात करें हाईएस्ट एवर यहाँ पर देख लीजिए पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर यहाँ पर रेवेन्यू है अगर हाँ, बट हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है क्योंकि यहाँ पर खर्चा भी बीच में ज्यादा हुआ है, पैंडामिक का भी सीजन था, ये सारे के सारे रीजन थे। क्योंकि यहाँ पर से देखे तो यहाँ देखिए सेल्स गिरती हुई नजर आई, यहाँ पर जो कंटिन्यूसली थी यहाँ पर सेल्स में फिर वो यहाँ पर गिरती हुई नजर आई, इस वजह से यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आई। बट जैसे जैसे ओपन हो रहा है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे लोग धीरे धीरे इंडिया में रिच होते जाएंगे तो गाड़ियां सबके पास होनी है, और फिर जब गाड़ियां सबके पास होनी है तो यही गाड़ियां बिकती हुई नजर आएगी क्योंकि ये नंबर वन कार मारुति यहाँ पर आती है। बात करें यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर्स की तो यहाँ पर देख लेते हैं नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है 1,241 करोड़ रुपए का, धीरे धीरे दोबारा अपने रिकवर हो रहा है और ये अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएगी। सेल्स की यहाँ पर ईयरली बेस की बात करें 29,000 करोड़ से यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए तक यहाँ पर पहुंचे हैं पिछले 10-11 साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,500 करोड़ का यहाँ पर अगर बात करें 5,352 करोड़ तक पहुंच गए, और ये भी नहीं बात करेंगे 11,000 और 12,000 करोड़ तक पहुंच गया है, यहाँ पर बस गिरावट है और दोबारा ये चलने शुरू हो गए हैं, ये भागेंगे दोबारा शेयर। यहाँ पर प्राइस भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, और नेट प्रॉफिट जब बढ़ता हुआ नजर आएगा तो अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करती हुई कंपनी नजर आएगी। तो ये इन चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है। रिजर्व सीन से रिलेटेड हमने बातें कर ली है, और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स के पास 56.37% की हिस्सेदारी है, बल्कि यहाँ पर सेप्टेम्बर क्वार्टर में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। FIIs की बात करें, FIIs ने भी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 23% की हिस्सेदारी यहाँ पर। DIIs की बात करें उनके पास 15% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 5% की हिस्सेदारी है, मतलब बेचना ही नहीं चाहते, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम भी कम नजर आता है। ये DIIs FIIs बेचना ही नहीं चाहते क्योंकि इन्हें पता है कि किस तरीके से यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। LIC XAS यहाँ पर सबने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। और बात कर लेते हैं अब चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर मैं इस ड्रॉइंग को हटा देता हूँ। ओके और यहाँ पर देखते हैं तो बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न मेरे हिसाब से बनता हुआ नजर आ रहा है, और जिस लेवल पर अभी है ये शेयर यहाँ पर नजर आता है। तो अगर हम बात करते हैं इस शेयर में किस तरीके का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ लिया, फिर बात करें यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लिया यहाँ भी, तो ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न शेप बनती हुई हमें नजर आ रही है। तो अगर बात करते हैं एक बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर उसके बाद एक बार यहाँ पर भी लिया है, और फिर दोबारा यहाँ पर लिया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर लेते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर बात करूं जब इसने यहाँ पर एक बार लिया था तो फिर ऊपर तक चली गई थी ये चीजें, और जब ऊपर तक चली गई थी तो यहाँ पर अच्छा खासा एक चार्ट पैटर्न बन भी रहा था, और अच्छा खासा यहाँ पर गेन भी मिला था यहाँ पर ऊपर, बट यहाँ पर से दोबारा गलत न्यूज आनी शुरू हो गई। ओके सेल कम होनी शुरू हो गई, पैंडामिक यहाँ पर आना शुरू हो गया, इस वजह से यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ नजर आया क्योंकि इन्हीं पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर से अगर हम देखते हैं इसके बॉटम को उठा के, तो ये शेयर देखिए अच्छा खासा गेन आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर दोबारा देता हुआ दिखाई देगा। कितने यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो इसका प्रीवियस हाई यहाँ पर अगर देखते हैं ऑल टाइम हाई की, तो ऑल टाइम हाई इसका कहाँ पर चल रहा है, ऑल टाइम हाई है इसका यहाँ पर
लगभग ये 9-10,000 के आसपास। और हमारे जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो इसका टारगेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 10,300 के आसपास। और अगर बात करते हैं, इतना भी गेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ सेवल इतने गेन की कि ये जो अभी इस लेवल पर चल रहा है, और अगर ये यहाँ पर जो इसका अभी का हाई था, रिसेंट हाई था, अगर यहाँ तक गया तो आपको 14% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा रुक जाते हो ओके, तो इसका ये जहाँ पर सारे शेयर ऑटो एंसिलरी के भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, एज वेल एज मदरसन सोमी का यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट आया। और मदरसन सोमी यहाँ पर यहाँ से प्रोडक्ट लेती हुई नजर, मतलब मारुति यहाँ से मदरसन सोमी से यहाँ पर शायद प्रोडक्ट्स लेती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर मतलब क्लाइंट है एक बहुत बड़ा। तो यहाँ पर 43% के, जब मदरसन सोमी के रिजल्ट अच्छे आए तो मारुति के भी रिजल्ट अच्छे आएंगे, और 43% के रिटर्न्स मुझे यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म में भी आप खेलना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी 14-15% के रिटर्न यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ओके, रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। और वो भी यहाँ पर देखिए 2-3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पर से अब चीजें निकलने वाली है। यहाँ पर जितना नीचे आना था आ गया ओके, यहाँ पर इसने दोबारा बॉटम बनाया जैसे यहाँ पर बनाया था, और फिर इसके बाद अब यहाँ पर ऊपर ही जाना है, इसे नीचे नहीं जाना। पहला टारगेट ये है ओके 14%, दूसरा टारगेट इसका ऑल टाइम हाई वाला है, और फिर तीसरा टारगेट जो इसका चार्ट पैटर्न से जो बन रहा है 44% के लिए ये है। तो आपको किस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके ही करिएगा। नॉलेज के पर्पज से ये वीडियो बनाई जाती है, तो इसी आपको सीखना है, सीख के काम करना है जिस तरीके से हम काम करते हैं। अगर बात करें देखिए मदरसन सोमी, तो यहाँ पर क्या मत बात करें तो एक हफ्ते पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक हफ्ते पहले वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि यहाँ पर चार्ट पैटर्न बढ़ रहा है बेहतरीन, और ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर के लगभग हमने ये शेयर कहाँ पर खरीदा था, यहाँ पर खरीदा था, और आज की डेट में ही अगर बात करें अच्छा खासा गेन, मतलब 11% का गेन विद इन अ वीक हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मैं यहाँ से एग्जिट कर लिया हूँ, यहाँ पर उसे दोबारा अगर बनेगा तो यहाँ पर दोबारा। बट इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसका टारगेट कितना आ रहा है, इसका टारगेट आ रहा है 430 रुपए के आसपास का, 400 रुपए के आसपास का ये टारगेट साफ नजर आ रहा है मुझे। आप बने रह सकते हैं तो लॉन्ग टर्म बने रहिए, इसमें भी अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।